हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू डीम कार डिलाइट। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मारुति सुजुकी स्विफ्ट एंड न्यू ग्रैंड एटिन का डिटेल कंपैरिजन। हर एक एस्पेक्ट के बारे में हम इस कंपैरिजन वीडियो में बात करेंगे एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सी व्हीकल परचेज करनी चाहिए, स्विफ्ट परचेज करनी चाहिए या ग्रैंड एटिन परचेज करनी चाहिए। आपके सारे डाउट्स इसमें क्लियर हो जाएंगे। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें, टिल द एंड तक देखें। एज ऑलवेज आप अभी के अभी टीम कार डिलाइट को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें। अगर आपके कोई भी डाउट्स या फिर क्वेरीज है कौन सी आपको व्हीकल परचेज करनी चाहिए तो आप वो मुझे पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एक्सटीरियर डिज़ाइन एंड लुक्स के बारे में। तो यहाँ पे स्विफ्ट एंड ग्रैंड एटिन नियोस दोनों ही बहुत ही स्पोर्टी व्हीकल्स हैं एंड ग्रैंड एटिन नियोस में आपको अप फ्रंट प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलेंगे, साथ में कैस्केड डिज़ाइन ग्रिल, ग्रिल पे DRLs मिलते हैं एंड फॉग लैम्प भी अवेलेबल हैं। अगर स्विफ्ट की बात करें तो स्विफ्ट में फ्रंट में आपको जो हेडलैम्प यूनिट मिलते हैं उसके अंदर ही इंटीग्रेटेड DRLs मिलेंगे, साथ में बिग साइज की यहाँ पे ग्रिल दी गई है, फॉग लैम्प भी अवेलेबल है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो ग्रैंड एटिन नियोस में आपको 15 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे एंड स्विफ्ट में भी 15 इंचेस के अलॉय व्हील्स अवेलेबल है। रियर लुक की बात करें तो यहाँ पे ग्रैंड एटिन की रियर लुक आपको थोड़ी ज़्यादा बेटर मिलती है, यहाँ पे ज़्यादा स्टाइलिंग दी गई है एंड लेकिन यहाँ पे आपको नॉर्मल टेल लैम्प मिलेंगे, वेयर है स्विफ्ट की रियर में आपको यहाँ पे LED टेल लैम्प्स मिल जाते हैं। एंड ओवरऑल अगर हम रियर एंड फ्रंट एंड साइड प्रोफाइल को कंपेयर करें दोनों ही व्हीकल्स की तो इट इज़ ग्रैंड एटिन नियोस विच लुक्स मोर स्पोर्टी एंड मोर प्रीमियम एज वेल। सो दोस्तों अब बात करते हैं इंटीरियर्स एंड कैबिन के बारे में। तो स्विफ्ट में सिर्फ आपको एक इंटीरियर कलर थीम ऑप्शन मिलता है जो है ऑल ब्लैक इंटीरियर, वेर एज ग्रैंड एटिन नियोस में आपको दो इंटीरियर के ऑप्शन मिलते हैं जो है ऑल ब्लैक इंटीरियर एंड डुअल टोन ग्रे कलर इंटीरियर। अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो जो फिट एंड फिनिश क्वालिटी है वो ग्रैंड एटिन नियोस में आपको काफ़ी ज़्यादा बेटर मिलती है और जो ग्रैंड एटिन नियोस का जो ओवरऑल कैबिन भी दिया गया है दैट फील्स अ बिट मोर अप मार्केट, यानी कि अबव सेगमेंट ऐसा लगता है आप कैबिन में बैठे। इवन एलीट i20 से भी बढ़िया आपको ग्रैंड एटिन नियोस में कैबिन मिलेगा। तो इंटीरियर के मामले में ग्रैंड एटिन नियोस आपको थोड़ी ज़्यादा बेटर मिलती है। तो दोस्तों आप बात करते हैं राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी के बारे में। तो यहाँ पे ग्रैंड एटिन नियोस में आपको सॉफ्ट साइड पर सस्पेंशन मिलेगा, जो स्विफ्ट का सस्पेंशन है वो थोड़ा स्टिफ साइड पर दिया गया है। दोनों ही टॉल बॉय हैचबैक है और बम्प एंड पॉटहोल्स बिल्कुल भी आपको फील नहीं होते। आप स्विफ्ट ड्राइव करें या फिर ग्रैंड एटिन नियोस ड्राइव करें बहुत ही ईजिली ये बम्प एंड पॉटहोल्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। एंड दोस्तों नेक्स्ट अब बात करते हैं दोनों ही हैचबैक के डायमेंशंस के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं लेंथ के बारे में। सो लेंथ की बात करें तो यहाँ पे लेंथ स्विफ्ट की आपको ज़्यादा मिलती है बाय 35 mm, विड्थ भी ज़्यादा दी गई है बाय 55 mm एंड हाइट भी आपको स्विफ्ट में ज़्यादा मिलेगी बाय 10 mm। व्हील बेस ऑल दो सेम दिया गया है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो नियोस की ग्राउंड क्लियरेंस है 165 mm और यहाँ पे स्विफ्ट की आपको 163 mm मिलेगी, यानी कि नियोस में आपको 2 mm एक्स्ट्रा मिलती है। अगर बात करें बूट स्पेस के बारे में तो नियोस का बूट स्पेस है 260 liters, स्विफ्ट में आपको मिलेगा 8 liter एक्स्ट्रा यानी कि 268 liters। और दोनों ही हैचबैक की आपको सेम फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है जो है 37 liters एंड टर्निंग रेडियस भी सेम ही दिया गया है जो है 4.8 meters का। एंड ओवरऑल यहाँ पे स्विफ्ट और नियोस को अगर डायमेंशन कंपेयर करें तो यहाँ पे स्विफ्ट की लेंथ, विड्थ एंड हाइट आपको थोड़ी ज़्यादा मिलती है, जिस वजह से ओवरऑल जो स्पेस दी गई है स्विफ्ट में वो आपको थोड़ी बेटर मिलेगी। एंड अब बात करते हैं हम इंजन ऑप्शन के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे हम पेट्रोल इंजन के बारे में। तो दोनों ही हैचबैक में आपको 1.2 liter 4-cylinder इंजन मिलेगा जो है BS6 compliant एंड पावर भी आप देख सकते हैं लगभग सेम ही मिलेगी। नियोस में है 82 bhp और 114 Nm टॉर्क और यहाँ पे स्विफ्ट में आपको मिलेगा 82 bhp जो है सेम एंड 113 Nm ऑफ टॉर्क। दोनों में ही 5-speed मैनुअल एंड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स अवेलेबल है, लेकिन स्विफ्ट में आपको 4-speed ऑटोमेटिक मिलेगा वेयर एज नियोस में 5-speed ऑटोमेटिक मिलेगा, जो कि हाईवेज में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। बात करें माइलेज की तो यहाँ पे माइलेज में स्लाइटली फर्क है, लेकिन स्विफ्ट की माइलेज आपको एक्स्ट्रा मिलेगी। ग्रैंड एटिन नियोस की माइलेज है 20.7 kmpl फॉर मैनुअल एंड 20.5 kmpl फॉर ऑटोमेटिक, वेयर एज यहाँ पे स्विफ्ट की जो माइलेज है वो है 21.21 kmpl। सो दोस्तों ये था पेट्रोल इंजन की स्पेसिफिकेशन एंड कंपैरिजन। अब बात करते हैं डीजल इंजन के बारे में। तो दोनों में ही सिंगल डीजल भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। सो नियोस में यहाँ पे 1.2 liter 3-cylinder इंजन दिया गया है, वेयर एज स्विफ्ट में आपको मिलता है 1.3 liter 4-cylinder इंजन। दोनों ही BS4 compliant है। पावर लेकिन आपको लगभग सेम ही मिलती है जो है 74 bhp एंड 190 Nm ऑफ टॉर्क, दोनों में ही सेम दिया गया है। एंड यहाँ पे नियोस में आपको 5-speed मैनुअल एंड 5-speed ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मिलेगा, वेरे स्विफ्ट में दिया गया है 5-speed मैनुअल एंड 4-speed ऑटोमेटिक। माइलेज की बात करें तो यहाँ पे नियोस की है 26.2 kmpl और स्विफ्ट में आपको मिलती है क्लास लीडिंग 28.4 kmpl की माइलेज।
सो दोस्तों ये था इंजन का कंपैरिजन एंड इसी के साथ अगर हम बात करें ओवरऑल यहाँ पे वेरिएंट्स के बारे में, तो स्विफ्ट में जो आपको ऑटोमेटिक मिलता है पेट्रोल में एंड डीजल में वो बहुत सारे वेरिएंट्स में अवेलेबल है, वी में, जेड में एंड जेड प्लस में भी मिलेगा, यानी कि टॉप एंड मॉडल में भी, पेट्रोल में भी और डीजल में भी आपको ऑटोमेटिक ऑप्शन मिल जाता है। वेरियज अगर हम बात करें नियोस की, तो नियोस की सिर्फ सिंगल मॉडल में ही डीजल ऑटोमेटिक ऑप्शन मिलेगा और दो मॉडल में आपको मिलेगा पेट्रोल ऑटोमेटिक ऑप्शन, लेकिन नियोस के टॉप एंड वेरिएंट में ऑटोमेटिक ऑप्शन नहीं दिया गया, तो जो नियोस के बेस्ट फीचर्स हैं वो आप यूटिलाइज नहीं कर सकते इन केस अगर आपको ऑटोमेटिक लेना हो तो। तो ये कुछ ऐसे वेरिएंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिल जाती है, स्विफ्ट में थोड़ी ज़्यादा बेटर मिलेगी। एंड बात करें प्लेटफॉर्म के बारे में, तो ग्रैंड एड एंड नियोस में आपको मिलता है एडवांस K1 प्लेटफॉर्म और ये बिल्टअप है 65% एडवांस हाई स्ट्रेंथ स्टील एंड हाई स्ट्रेंथ स्टील से, वेरियज यहाँ पे स्विफ्ट में आपको मिलेगा सुजुकी का हार्ड एड प्लेटफॉर्म, और जो बिल्ड क्वालिटी को अगर हम ओवरऑल कंपेयर करें तो यहाँ पे 19-20 का फर्क मिलता है। जो ग्रैंड एड एंड नियोस है उसकी बिल्ड क्वालिटी आपको थोड़ी स्लाइटली बेटर मिलेगी। अब बात करते हैं वारंटी के बारे में, सो ग्रैंड एड एंड नियोस में यहाँ पे आपको 3 वारंटी के ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि आप अपनी रनिंग एंड यूसेज के हिसाब से चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 3 ईयर्स 1 लाख किलोमीटर, 4 ईयर 50,000 किलोमीटर एंड 5 ईयर 40,000 किलोमीटर। बात करें स्विफ्ट की, तो स्विफ्ट में आपको पेट्रोल में मिलेगा 2 ईयर्स 40,000 किलोमीटर्स एंड डीजल में अब आपको ऑफर करा जा रहा है 5 ईयर्स और 1 लाख किलोमीटर। तो पेट्रोल में आपको ग्रैंड एड एंड नियोस में बेटर वारंटी मिलेगी, डीजल में आपको यहाँ पे स्विफ्ट में बेटर वारंटी मिल जाती है। एंड अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे फीचर्स के बारे में, तो सबसे पहले बात करेंगे हम कॉमन फीचर्स के बारे में जो कि दोनों ही व्हीकल्स ऑफर करती है। सो यहाँ पे दोनों ही हैचबैक ऑफर करती है टिल्ट एडजस्टमेंट फॉर स्टीयरिंग, ऑटोमेटिक एसी, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVM विद टर्न इंडिकेटर, रियर एडजस्टेबल हेडरेस्ट, 15 इंचेस अलॉय व्हील्स, प्रिसिशन कट स्विफ्ट में मिलेंगे, डायमंड कट ग्रैनाइट एंड नियोस में दिए गए हैं, साथ में LED DRLs, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील, रियर वाइपर एंड वॉशर, रियर डिफॉगर, रियर पार्सल ट्रे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रंक ओपनिंग, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड ब्लूटूथ कंट्रोल्स, को ड्राइवर साइड सनवाइजर विद वैनिटी मिरर, ड्राइवर साइड सनवाइजर विद टिकट होल्डर एंड फ्रंट सीट्स के बैक पे आपको पॉकेट मिलेगी ओनली ऑन पैसेंजर साइड। तो दोस्तों ये तो थे कॉमन फीचर्स जो कि दोनों ही हैचबैक ऑफर कर रही है। अब बात करते हैं उन फीचर्स के बारे में जो कि स्विफ्ट में आपको मिलेंगे लेकिन ग्रैंड एड एंड नियोस में नहीं दिए गए एंड वाइस वर्सा। सो यहाँ पे ग्रैंड एड एंड नियोस ऑफर करती है इको कोटिंग टेक्नोलॉजी, वायरलेस चार्जिंग, रूफ रेल्स, सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कूल ग्लव बॉक्स, क्रोम आउटसाइड डोर हैंडल, शार्क फिन एंटेना, रियर एसी वेंट, ड्राइवर साइड पावर विंडो विद ऑटो डाउन एंड रियर पावर सॉकेट। एंड यहाँ पे स्विफ्ट ऑफर करती है फ्रंट सीट्स विद एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो कि ग्रैंड एड एंड नियोस में अवेलेबल नहीं है, साथ में LED टेल लैम्प एंड यहाँ पे LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प भी अवेलेबल है जो कि हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प से काफ़ी बढ़िया विजिबिलिटी देंगे, और यहाँ पे फ्रंट में भी आपको 2 ट्विटर्स मिल जाते हैं विच इज़ मिसिंग इन ग्रैंड एड एंड नियोस। ऑल्सो नियोस में आपको जो ड्राइवर साइड पावर विंडो है वो सिर्फ ऑटो डाउन मिलेगी, वेयर एज स्विफ्ट में ऑटो डाउन भी दी गई है और ऑटो अप भी मिलेगी। साथ में यहाँ पे 60:40 स्प्लिट सीट का फंक्शन भी आपको स्विफ्ट में मिल जाता है। सो ओवरऑल अगर हम बात करें यहाँ पे फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पे आपको ग्रैंड एड एंड नियोस में काफ़ी सारे एडिशनल फीचर्स मिल जाते हैं जैसे कि रियर रिसीविंग, कूल ग्लव बॉक्स, वायरलेस चार्जिंग, इको कोडिंग टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। अब बात करते हैं सेफ्टी फीचर्स के बारे में, सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट कॉमन सेफ्टी फीचर यानी कि सिमिलर सेफ्टी फीचर जो कि दोनों ही हैचबैक में दिए गए हैं। सो स्विफ्ट एंड नियोस में दोनों में ही अवेलेबल है ABS विद EBD, डुअल फ्रंट एयरबैग, इंजन इमोबिलाइजर, रियर पार्किंग सेंसर्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा विद गाइडलाइन, हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम, फ्रंट सीट बेल्ट विद प्रीटेंशनर एंड फोर्स लिमिटर, सेंट्रल लॉकिंग, स्मार्ट कीलेस एंट्री विद इंजन पुश स्टार्ट बटन, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, फ्रंट सीट बेल्ट रिमाइंडर, पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन कंप्लायंस, चाइल्ड आइसोफिक्स माउंट, डोर अजार वार्निंग लैम्प, लो फ्यूल वार्निंग लैम्प एंड यहाँ पे आपको दोनों ही हैचबैक में मिलेगा फॉलो मी होम एंड लीड मी टू द व्हीकल का फंक्शन। एंड अब बात करते हैं उन सेफ्टी फीचर्स के बारे में जो कि ग्रैंड एड एंड नियोस में अवेलेबल है लेकिन स्विफ्ट में नहीं दिए गए एंड स्विफ्ट में दिए गए हैं लेकिन ग्रैंड एड एंड नियोस में अवेलेबल नहीं है, और देखेंगे यहाँ पे कौन सी गाड़ी में आपको बेटर सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। तो अगर बात करें ग्रैंड एड एंड नियोस के बारे में, तो यहाँ पे अवेलेबल है प्रोजेक्टर फॉग लैम्प, एमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, टेलगेट अजार वार्निंग, इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक, ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर एंड बात करें स्विफ्ट की, तो स्विफ्ट में अवेलेबल है ब्रेक असिस्ट। सो जैसा कि आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रैंड एड एंड नियोस में आपको काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फीचर्स मिल जाते हैं एज़ कम्पेयर टू स्विफ्ट। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों ही हैचबैक के
इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में, जिसमें आपको बेटर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रैंड 8 न्यूस में आपको जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया उसमें आपको मिलेगा 5.3 इंचेस की MID स्क्रीन, जिसमें कि स्पीडोमीटर भी है और काफ़ी सारी व्हीकल इन्फॉर्मेशन एंड रियर पार्किंग सेंसर्स का डिस्प्ले भी शो करेगा। और ये है स्विफ्ट का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। एंड ओवरऑल अगर हम दोनों के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को कंपेयर करें तो यहाँ पे जो ग्रैंड 8 न्यूस की इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो आपको थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम एंड अप मार्केट मिलता है। इवन अभी तक का हुंडई का सबसे बेस्ट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा आपको डिजिटल डिस्प्ले मिल जाएगा। एंड दोस्तों अब बात करते हैं इन्फोटेनमेंट सिस्टम यानी कि म्यूजिक सिस्टम के बारे में। तो दोनों ही हैचबैक में जो आपको इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिलते हैं दे आर फुली लोडेड। यहाँ पे एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो भी आपको मिलेगा। एंड इसी के साथ अगर हम बात करें स्विफ्ट की, तो यहाँ पे 4 स्पीकर्स के साथ 2 फ्रंट वेटर दिए गए हैं, लेकिन ग्रैंड 8 न्यूस में आपको सिर्फ 4 स्पीकर्स मिलेंगे। स्विफ्ट में आपको इनबिल्ट नेविगेशन मिलती है, लेकिन ग्रैंड 8 न्यूस में इनबिल्ट नहीं दी गई, आप एप्पल कारप्ले या एंड्रॉयड ऑटो के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। अगर बात करें ओवरऑल टच एंड रिस्पॉन्सिवनेस की, तो ग्रैंड 8 का जो इन्फोटेनमेंट सिस्टम दिया गया दैट इज़ एक्सट्रीमली रिस्पॉन्सिव, बहुत ही रिस्पॉन्सिव है। एंड इट हैज़ अ वेरी क्रिस्टल क्लियर एंड HD डिस्प्ले, जो कि स्विफ्ट में आपको नहीं मिलता। ऑल्सो ग्रैंड 8 न्यूस का जो यहाँ पे सिस्टम मिलेगा उसमें आपको आर्कमीज साउंड मोड भी मिल जाता है और हुंडई की iBlue ऐप से भी वो कनेक्ट हो जाता है। तो देर आर लॉट ऑफ फीचर्स इन ग्रैंड 8 न्यूस इन्फोटेनमेंट सिस्टम। एंड दोस्तों यहाँ पे आप ग्रैंड 8 न्यूस एंड स्विफ्ट के दोनों के प्राइजेस आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं कि ग्रैंड 8 के जो प्राइजेज हैं राइट फ्रॉम द बेस मॉडल टिल टॉप एंड वेरियंट, वो आपको थोड़े ज़्यादा इकोनॉमिकल मिलेंगे एज कम्पेयर टू स्विफ्ट। स्विफ्ट थोड़ी ज़्यादा आपको कॉस्टली मिलती हैं यहाँ पे। एंड जो ग्रैंड 8 न्यूस है उसके जो वेरियंट्स हैं दैट आर ऑल्सो मच मोर लोडेड एज कम्पेयर टू स्विफ्ट। अब दोस्तों बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन के बारे में कि कौन सी हैचबैक बेस्ट है। सो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे स्पेस एंड कम्फर्ट के बारे में। तो ग्रैंड 8 न्यूस में आपको ज़्यादा स्पेशियस एंड ज़्यादा रूमी कैबिन मिलेगा एज कम्पेयर टू स्विफ्ट। अगर बात करें कंफर्ट के बारे में, तो स्विफ्ट एंड न्यूस की दोनों की रियर सीट्स आपको ऑलमोस्ट सेम ही कंफर्ट ऑफर करती है, लेकिन जो फ्रंट सीट्स है वो आपको स्विफ्ट में बहुत ही एक्सेलेंट मिलेगी। इवन बेस्ट इन सेगमेंट स्विफ्ट की फ्रंट सीट्स आपको कंफर्ट ऑफर करेगी। बात करें एक्सटीरियर डिज़ाइन की, तो वो आपकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस रहेगी विच वन यू प्रेफर। यहाँ पे इंजन ऑप्शन की बात करें तो दोनों में ही सेम इंजन अवेलेबल है। दोनों में पेट्रोल में आपको BS6 मिलेगा, पेट्रोल एंड डीजल मैनुअल एंड ऑटोमेटिक दोनों में ही ऑफर करे जा रहे हैं। एंड अब दोस्तों बात करते हैं ग्रैंड 8 न्यूस के बारे में कि यहाँ पे आपको क्या ज़्यादा बेटर मिलता है एज कम्पेयर टू स्विफ्ट। तो फर्स्टली यहाँ पे आपको ज़्यादा स्पेशियस कैबिन मिलेगा, देन इंटीरियर्स आर ऑल्सो बेटर, साथ में यहाँ पे आपको ज़्यादा फीचर्स भी ऑफर करे जा रहे हैं और बिल्ड क्वालिटी भी यहाँ पे ग्रैंड 8 की स्लाइटली बेटर है। इन्फोटेनमेंट सिस्टम, MID स्क्रीन भी आपको यहाँ पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिव मिलेगी। वारंटी आपको पेट्रोल में ग्रैंड 8 न्यूस में ज़्यादा बेटर मिलती है। ऑल्सो यहाँ पे रियर एसी वेंट्स भी अवेलेबल हैं एंड वी विल गेट मोर सेफ्टी फीचर्स इन दिस कार एज वेल। बात करें स्विफ्ट की, तो स्विफ्ट की फ्रंट सीट्स आपको एक्सेलेंट कंफर्ट ऑफर करेगी और यहाँ पे स्विफ्ट में आपको बेटर माइलेज मिल जाती है, इवन बेस्ट इन क्लास माइलेज अवेलेबल है। साथ में यहाँ पे अगर आप डीजल लेते हैं तो वहाँ पे आपको वारंटी ज़्यादा मिलेगी इन स्विफ्ट। और फोर्थ जो पॉइंट आता है यहाँ पे वो ये है कि स्विफ्ट में जो ऑटोमेटिक ऑप्शन है वो आपको ज़्यादा वेरियंट्स में मिल जाता है एज कम्पेयर टू ग्रैंड 8। सो गाइज अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये सारी है जो स्विफ्ट के अंडर लिस्टेड है तो आप स्विफ्ट परचेज करें। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ग्रैंड 8 के अंडर जो लिस्टेड है वो है तो आप ग्रैंड 8 न्यूस परचेज करें। सो दोस्तों ये था एक डिटेल कंपैरिजन बिटवीन ग्रैंड 8 न्यूस एंड मारुति सुजुकी स्विफ्ट। ऐसे कंपैरिजन बहुत ही जल्दी एक और भी आने वाला है जिसमें हम और एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। एंड ऐसी कंपैरिजन काफ़ी सारे चैनल पे ऑलरेडी पोस्टेड है, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एंड मेक श्योर टीम का डिलेट को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।